देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए गए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की नवीन इमारत में तानाशाह तरीके से चल रहा है काम। इस बिल्डिंग में कोटा स्टोन भी घटिया तरीके का लगा है, साथ ही बिल्डिंग में कई जगह दरारें भी अभी से आ गई हैं, जबकि अभी तक बिल्डिंग को कॉलेज के हैंडओवर तक नहीं किया गया। वहीं इस बारे में जब हमने शिनाख्त करने के लिए उक्त बिल्डिंग में पहुंचे तो पता चला कि बिल्डिंग को बाहर से ताला लगाकर ठेकेदार चला गया है और अंदर मजदूर काम कर रहे हैं। समस्या परे है कि इस तरह से ठेकेदार ने क्यों किया। मामला ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब को इस बिल्डिंग के बारे में बताया गया था कि ये बिल्डिंग का घटिया निर्माण किया गया है। ये बिल्डिंग पीजी कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट पीछे 6 कक्ष हैं, इसमें तो इन 6 कक्षों का निर्माण जो घटिया किया गया है, इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को भी की, किंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज मैं देखने आया तो इसमें जो दरारें थीं, इन दरारों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और अंदर जाने नहीं देने दे रहा है, जिससे हम और देखेंगे इसमें और क्या क्या काम किया जा रहा है। और जो ठेकेदार है वो इसकी चाबी ले गया है, आप लोगों ने भी देखा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घटिया निर्माण है, कल अगर ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? छात्रों के पैसे से बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग को रोकना चाहिए और इस बिल्डिंग की गुणवत्ता की जाँच होना चाहिए। वो ताले की चाबी कहाँ है? हम वो ठेकेदार ही ना चला, क्यों क्या पता चल गया? तुम दुकान करो, ताला लगा रहे हैं। नरेंद्र नरेंद्र क्या बोल के गया वो ताला लगा के? ताला चाबी लेके गया वो। क्यों ले गया? तुम्हें बता तो गया होगा। कुछ नहीं कर रहा, तुम दुकान करो अंदर। और अगर तुम्हें बाहर निकलना हो तो? और तुम्हें अगर बाहर निकलना हो तो? वहीं जमीन के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने प्रभारी प्राचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि यह बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही है और हैंडओवर के लिए आई थी, जिसको मना कर दिया गया क्योंकि इस इमारत में कई तरह की खामियां थी। ये हमने लिख के दे दिया है पूरा, पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर के लिए आया था और उसमें हमने जो जो कमियाँ थी, ये तो पूरे बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं और वो दरारों को रिपेयरिंग करके भर रहा है। दूसरा मिट्टी फाइल टाइल्स थे उसमें, एस्टीमेट में उसने कोटा स्टोन लगाए हैं, कोटा स्टोन भी घटिया स्तर का लगाया हुआ है, तो इसके लिए हम हैंडओवर अभी आज तक किया नहीं है। जब तक ये कमियाँ दूर नहीं होंगी तब तक बिजली का, अभी बिजली का उसमें एस्टीमेट में नहीं था, वो अलग से बिना बिजली का हैंडओवर होना है। ये क्योंकि ठेकेदार अपनी कमियाँ छिपा रहा है, दरारें आ रही हैं बाहर से, काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इस इमारत का घटिया निर्माण साफ दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार अफसरशाही पर भारी है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर आज वन कर्मचारी संघ हड़ताल पर चला गया। यह आंदोलन स्टेट फॉरेस्ट और रेंजर ऑफिसर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इससे पहले भी इन लोगों ने मिलकर धरना दिया था, जब वन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों को जल्द मान लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। वहीं आज से ये दोनों एम्प्लॉयज एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगति के निराकरण के लिए उसमें वन रक्षक, वनपाल, डिप्टी रेंजर और रेंजर, इन सब लोगों ने हड़ताल की। इन सबका वेतनमान अन्य विभागों की तुलना में बहुत कम है,
लगातार हमने जो है शासन से सभी मंचों पर ऐसी मांग की, पहले हमने ज्ञापन भी दिए, सांकेतिक हड़ताल भी की, वहाँ भोपाल में धरना भी दिया और उसके बाद हमने पाँच मई से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। लेकिन 4 मई को हमारे वन मंत्री, हमारे प्रमुख सचिव वन विभाग, मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रमुख जो है प्रधान वन संरक्षक, इन सब ने हमको लिखित आश्वासन दिया था जो 15 दिन के अंदर हमारी सभी जाए गाँवों का निराकरण करके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 15 दिवस की अवधि जब 20 मई को बीत चुकी है, लेकिन उस तक उस तारीख तक सरकार ने इस दिशा में निराकरण के लिए कोई काम नहीं किया। इस वजह से हमको मजबूरी में ये 24 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा और अब हम अपनी हड़ताल जब भी वापस लेंगे जब हमारी सभी मांगों का निराकरण हो जाए। जिला पंचायत सीईओ ने किया प्रसूता वार्ड का औचक निरीक्षण। कई बार जिला चिकित्सालय से प्रसूता वार्ड को लेकर शिकायतों के चलते आज निरीक्षण किया गया। सीईओ ने दिशा निर्देश भी दिए, गर्मी के मौसम में पंखे और एसी की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक रखी जाए जिससे प्रसूताओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं कचरा पेटी को लेकर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही प्रसूताओं से चर्चा की गई कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता। कमियां नहीं, हम लोग केवल उसको ये देखने आए थे कि कहीं मरीजों को कोई परेशानी तो नहीं है, और बेसिकली लेबर जो महिलाओं और बच्चों का ही वार्ड है या उनका यूनिट है उसको देखने आए थे। तो ठीक है, उसमें कहीं साफ़ सफाई करने के निर्देश दिए गए और डस्टबिन काफ़ी ख़राब थे, डस्टबिन चेंज करने के लिए, और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गर्मी का मौसम है तो मतलब पंखे और एसी लगा चालू रहे। बस ऐसी छोटी मोटी कमियाँ थी, बाकी तो सब ठीक था। नहीं नहीं बेसिकली मैंने परिजनों से ये पूछा कि आपने बच्चे को एक घंटे के अंदर, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर आपने दूध पिलाया कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि हम लोगों के अभी, आप जैसे कि मालूम है आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हम लोगों को 100% ये इंश्योर करना है कि जो बच्चे हैं माता और शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए जो छोटी मोटी जानकारियाँ थी वो मैंने पूछा कि आप लोग करते हो कि नहीं करते। घर में किसी ने ऐसा शिकायत नहीं किया, लेकिन वो देखेंगे। आप डॉक्टर बता सकते हैं किन परिस्थितियों में ऑपरेशन करना है और किन परिस्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी, फिर इंस्ट्रक्ट तो हम कर देंगे उनको किस तरह की कार्रवाई ना की जाए। श्री चित्रगुप्त सहकारी गृह समिति के अध्यक्ष बने बारेलाल धाकड़। यहां सर्वसम्मति से धाकड़ को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। बता दें कि विगत दिनों हुए निर्वाचन में सहकारिता समिति में संचालकों का चुनाव संपन्न कराया गया था, जिसके बाद आज बारेलाल धाकड़ को मनोनीत अध्यक्ष पद के लिए किया गया। आज जो है श्री चित्रगुप्त, आज जो है श्री चित्रगुप्त गृह निर्माण सहकारी समिति नानागेड़ी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभिन्न संस्थाओं में भेजे जाने वाले 4 प्रतिनिधियों का निर्वाचन था, और उस निर्वाचन में 11 ही जो संचालक हैं इस संस्था के, उन्होंने मुझे श्री वांके बैरी जी कृपा से अध्यक्ष निर्वाचित किया है। उनने समर्थन किया सभी संचालकों ने, और हमारे निर्वाचन अधिकारी आर सी जाटव जी ने मुझे निर्वाचित घोषित किया है। मेरे साथ ही
उपाध्यक्ष पद पर दिनेश श्रीवास्तव एडवोकेट नोटरी को निर्वाचित घोषित किया है। इसी के साथ हमारे जो है चार प्रतिनिधि जाते हैं इस संस्था के, जिसमें आवास संघ भोपाल है उसमें श्री रामस्वरूप माथुर जी को प्रतिनिधि बनाया गया है। वहीं जिला सहकारी बैंक मर्यादित गुना में प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव केजी को उसमें निर्वाचित घोषित किया गया है प्रतिनिधि के रूप में। इसी प्रकार विपणन सहकारी समिति मर्यादित गुना, जिसको मार्केटिंग बोलते हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में आनंद भार्गव की श्रीमती प्रतिभा भार्गव जी को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है निर्वाचन अधिकारी जी द्वारा। इसी के साथ जिला सहकारी संघ में प्रतिनिधि के रूप में हमारे संचालक राजीव प्रकाश विजयवर्गीय लक्ष्मीगंज को उसमें प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किया गया है। इससे जो ये चुनावी प्रक्रिया आज की जो थी वो संपन्न हो गई है। आगे हमारा संचालक मंडल जो है बोर्ड बन गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालकों सहित। ये आगामी गृह निर्माण की जो लोगों के प्लाट हैं, भूखंड हैं, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और शीघ्र दिवाली तक हम उपलब्ध करा देंगे। ऐसा अभी बरसात में कुछ काम नहीं हो पाएगा, पर दिवाली से हम उनको भूखंड भी उपलब्ध करा देंगे, कब्जा दे देंगे और रजिस्ट्री करा देंगे और आगे की और भी रूपरेखा हम उसमें उसको कैसे सोसाइटी चले उसको संचालित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साई क्रिकेट एकेडमी द्वारा संजय स्टेडियम में कराए जा रहे निर्माण को लेकर विगत दिनों कई आपत्तियां आई हैं। एथलीट कोच के अनुसार यदि यहां पर क्रिकेट की पिच का निर्माण किया जाता है तो भविष्य में लॉन्ग जंप एवं हाई जंप के आदि के खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद आज साई क्रिकेट एकेडमी के समर्थन में कुछ लोग आए और उनका कहना है कि जो लोग राजनीति के फायदे के लिए चलते यहां पर क्रिकेट की पिच बनना नहीं देना चाहते। इन विवादों के बाद क्या इस क्रिकेट पिच का निर्माण हो सकेगा या जारी रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। चल रही थी बैठ वहाँ पे, एक जन राहुल बैठ गया बैठे बॉलिंग करते वहाँ पर बच्चे नहीं गए। आप पूरे डलवा ट्रांसफर करते हैं ये मैटर बता देगा। खबर नेता हो रहा है ताकि मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। यहाँ हमारे साई क्रिकेट अकेडमी द्वारा एक टेस्ट विकेट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको जैसा कि ज्ञात हुआ कि गुना से लेकर ग्वालियर के अंदर तक कोई भी एक भी टेस्ट विकेट नहीं है। ये हम खेल को बढ़ाने के लिए टेस्ट विकेट का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए काफ़ी आपत्तिजनक लोग राजनीतिक अपने फायदे के लिए इसको एक विवाद का रूप दे रहे हैं, जैसे कि ये गड्ढे के जंपिंग बॉक्स का गड्ढा इसके निर्माण के लिए काफ़ी विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम इस गड्ढे को शिफ्ट करके यहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खेल के बढ़ावे के लिए हम लोग कर रहे हैं, कृपया इसमें आपत्ति न उत्पन्न करें और हमारा सहयोग करें। इन दिनों मलमास चल रहा है और ज्योतिषियों के अनुसार मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं कराया जाता। वहीं आज एक अनोखा मामला देखने को मिला टेकरी रोड पर, जहां एक समिति द्वारा शादियां कराई जा रही थी। मलमास में किस तरह से शादियां कराई जा रही थी ये तो समिति के अध्यक्ष ही जाने। बता दें कि टेकरी रोड पर दो जोड़ों की शादियाँ कराई जा रही थी, जिसमें ना तो हवन वेदी बनाई गई थी और ना ही उन्हें पूरे संस्कारों से शादी कराई जा रही थी। वहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर दूल्हा दुल्हन से 1000 रुपये की रसीद भी कटाई गई, जिसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 25,000 मिलेंगे। शादी शुरू होते ही वहाँ पर कोई भी आयोजक नजर नहीं आया, साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाले सामान भी मौके पर नहीं थे, जिससे गुस्साए लोगों ने आयोजक समिति के एक कर्मचारी को पकड़ लिया। चुतिया बना रहा जब मेल लाना फार्म पैसे जमा कर दो, हर साल सामान ले लो तुम तो तुरंत। चुतिया बना कल सामान आ रहा है ग्वालियर गए वो लेने, फिर दूसरे दिन मैंने फोन लगाया इनको, अभी ग्वालियर से आए नहीं, परसों आएंगे। फिर जिनने कही कि वो मंगलवार को आ जाएंगे तो मैं फोन लगा देंगे, ना इनने फोन लगा मंगल बुधवार बुधवार को मेरे लाना फोन लगा रहा है कहीं सामान ले जाओ, मीन सामान नहीं सम्मेलन में दे देना तुम, अभी तक सम्मेलन सामान नहीं आया है। एक बार तुम जब मेन नहीं हो। कर्मचारी ने बताया कि जिस समिति के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है उसका नाम है शिव बंधन समिति, जिसकी अध्यक्ष ममता ओझा है। इसके साथ ही समिति के ऑफिस सोनी कॉलोनी में बताया गया। इसके साथ ही उस युवक ने यह भी बताया कि इससे पहले 11 शादियां कराई जा चुकी हैं,
लेकिन किसी में भी फेरे नहीं कराए गए। शंकर बंदन, तो वहाँ अभी तक आप कितनी शादियाँ करा चुके हैं? अभी 11। कब से कब तक? अभी 18 फरवरी की थी, 22 जनवरी की थी। हाँ कटा दी, 9-11 जोड़े पहले कराए, दोनों की जी कराई। सारी शादियाँ इसी पद्धति से हुई हैं आपकी? शादी है बिना बेदी बना के। अरे अवन की बेबी, अवन नहीं करो घर में। नाम क्या है? ममता ओझा। कहाँ रहती है वो? नहीं, सोनी कॉलोनी। उनका क्या काम रहेगा? जब वहाँ पर मौजूद शादी कराने वाले पंडित से बात करना चाहे तब पता चला कि उसने फेरों के साथ साथ वचन भी नहीं करवाए हैं। वहीं पंडित से बातों करने में ऐसा लग रहा था कि उसे हिंदू रीति रिवाजों से शादी करना आता ही नहीं है। आपने सात वचन करवा दिए? पूछो मोहमड़ी बुलवा, पूछो करवाया कि नहीं करवाया? बेदी मेदी तो नहीं, मोहमड़ी बुला। बेदी बेदी कहाँ है? बेदी भाई जिम्मेदारी करवाई कि नहीं करवाई? वो तो बात हो, तुम भाई बुला ली मीडिया में, पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कहाँ से मिले? कितने रुपए देते हैं एक शादी के? एक शादी जी बताओ। मत 500 रुपए देते हैं। तो ये विधि विधान से नहीं, आपको बुरा नहीं लगा? महाराज होके ऐसे काम कर रहे हैं? विधि विधान से करवाई, मेरे काम में कहा। तो बेदी मेदी आपने क्यों नहीं बनवाई? आपने आगे एक मिनट बात लो, आप तो जिनसे कहे मैंने। म्याना के ग्राम वासियों ने की तहसील और कॉलेज की मांग, साथ ही प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। म्याना में ग्राम वासियों की 3 मांगे हैं जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। पहली मांग 10 साल से घोषित नगर पंचायत, दूसरी 5 साल से कॉलेज की मांग, तीसरी म्याना तहसील की मांग, क्योंकि म्याना पहले तहसील ही थी। म्याना में प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पवैया के नेतृत्व में हुआ जनसंवाद हितलाभ वितरण कार्यक्रम, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन भी बांटे गए और स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुछ नन्नी मुन्नी बच्चियों को भी प्रमाण पत्र दिए गए और मंत्री जी ने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की 70% से अधिक परसेंटेज बनती है उन बच्चों को कॉलेज में फ्री एडमिशन होगा एवं उनकी पढ़ाई फ्री होगी, चाहे बच्चे किसी भी समाज के हों। मंत्री जी को म्याना चौराहे से लेकर अंदर तक की सड़क, जो कि काम अधूरा है, उसका भी जिक्र किया। वहीं शिक्षक भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी आवेदन दिया। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इस बच्ची ने राज्य की वरीयता सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है। लक्ष्मी प्रमाण पत्र, इसमें बेटी की शादी पर 1,18,000 रुपये और विभिन्न चरणों में भी राशि दी जाती है। दूसरी बिटिया मुस्कान सेन रुपया है। इसके बाद मातृ वंदना योजना की बहन पूजा बाई भी स्टेज पर आ जाए। नहीं मानते हैं क्या? आंगनबाड़ियों के भवन पहले से ज्यादा नहीं बने? क्या स्कूलों के भवन और स्कूलों में शिक्षा पहले से ज्यादा नहीं हो रही? क्या गुना के जिला अस्पताल में मुफ्त में दवाइयां इतनी कभी मिलती थी? क्या जो मरीज भर्ती हो जाए उसको दूध दलिया भोजन इस तरह मेहमान की तरह दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। और इसलिए एक बात समझ लें कि सरकारें तो चलती रहती हैं, कोई ना कोई बैठता है, मगर सरकार कैसे चलानी है ये गद्दी पे बैठे हुए आदमी के नजरिए से चलती है। क्लास से लेकर PhD तक पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, माता के गर्भ में 6 महीना का जब बच्चा हो जाएगा तो आंगनबाड़ी वाले को बताना पड़ेगा और तत्काल आपके खाते में 4,000 रुपया मध्य प्रदेश की सरकार डाल देगी। ये 4,000 क्यों? क्योंकि बच्चे को हिष्ट पुष्ट जन्म लेना है तो खाने पीने की व्यवस्था मां के लिए हो जाए। और जैसे ही बच्चा या बच्ची कोई भी हो, बेटा या बेटी हो, वो जब जन्म लेगा तो जच्चा के हाथ में 12,000 रुपया मध्य प्रदेश की सरकार दे देगी।
मकसूदनगढ़ में विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य भगवती देवी यादव, जनपद पंचायत सदस्य विमलेश कुशवाहा सहित कई लोगों ने मकसूदनगढ़ तहसीलदार को दिया ज्ञापन, जिसमें साफ सफाई, पानी आदि समस्याओं के बारे में प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। जिला में कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। गाँव में गंदगी फैल रही है और रोग फैल रहा है, पानी की बहुत सारी समस्या है, पानी नहीं मिल पा रहा है गाँव में, और पीएम आवास की जो सूची है वो भी गलत हो रही है, उसको सुधरवाने के संबंध में दिया है ज्ञापन। किस नाम से दिया है सर ये ज्ञापन? राष्ट्रपति जी के नाम पे। किस तरह से शासन को चूना लगाया जा रहा है इसकी बानगी देखने को मिली राधोगढ़ में। मामला राधोगढ़ ब्लॉक के सावत खेड़ी गांव के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का है। इस स्कूल को बंद हुए एक साल से भी अधिक हो गया है, लेकिन यह स्कूल आज भी पोर्टल पर कागजों में चालू है। इस स्कूल में 300 से अधिक छात्र छात्राएं दर्ज हैं, जबकि इस स्कूल को बंद हुए साल भर से अधिक का समय हो गया है, फिर भी कागजों में यह स्कूल चालू है और 300 छात्र छात्राएं दर्ज हैं। जब इस संबंध में राधोगढ़ बीओ सुरेश चंद्र आर का कहना है कि जब हमने इस मामले की जाँच कराएंगे, अगर जाँच में तत्व सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग की एक और लापरवाही देखने को मिली, जिसमें 6 साल के एक छात्र का कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होने का मामला सामने आया है, जिसके सामने आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। जिस स्कूल में इस छात्र को अध्ययनरत बताया जा रहा है वो तो एक साल पूर्व ही मान्यता न होने के कारण और संचालक के बाहर चले जाने के कारण बंद हो चुका है, फिर भी ये गड़बड़ी कैसे हुई इसकी जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा। बरसत गांव के निवासी छात्र साजिद के पिता आजाद खान ने बताया कि वह उनके 6 साल के पुत्र को सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश कराने के लिए लेके गए थे। प्राचार्य ने कहा कि आधार कार्ड लेकर आए। जब आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज स्कूल प्राचार्य को उपलब्ध कराए गए तो पाया गया कि साजिद खान पुत्र आजाद खान सावत खेड़ गाँव के ज्ञानदीप स्कूल में कक्षा 9वीं पास का 10वीं का छात्र है। हमने फिर से दस्तावेजों की जाँच कराई तो पिता, माता व भाई का नाम देखा तो एक सा पाया गया, जिस पर सरस्वती स्कूल बरसत में छात्र को प्रथम कक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। छात्र की चाइल्ड आईडी और आधार कार्ड के आधार पर जब उसकी स्थिति देखी गई तो वह 10वीं में अध्ययनरत पाया गया, जबकि वह अभी मात्र 6 साल का हुआ है और प्रथम कक्षा में प्रवेश होना है। जब इस सावतखेड़ी गांव के ज्ञानदीप स्कूल में मामले की बात की गई तो राधोगढ़ बीओ सुरेश चंद्र आर्य ने कहा कि हम इस मामले में जाँच कराएंगे, अगर तत्व सामने आते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। सर, इस संबंध में हमने संस्था प्रधान जो है संचालक उनसे हमने फ़ोन पर बात की तो इसके क्रम में उनके द्वारा सचिव जो समिति के सदस्य हैं वो हमारे पास आए और उनसे हमने इस पूरे मामले के संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि ये स्कूल है 2016-17 में बंद हो चुका था। इसके बाद जो बच्चे थे उनके स्कूल में वो अन्य स्कूलों में टीसी कटाने के बाद चले गए। ये तो संभव नहीं है, अगर उसमें ये बच्चे अगर आए हैं तो इसकी हम BRCC महोदय के माध्यम से जांच कराएंगे और जांच में यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।